इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप डिफेंस अपडेट कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के नए फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर है। रशिया की स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी टास की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मार्क्स 2021 में रिवील करे गए रशिया के नए सिंगल इंजन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चेकमेट के बारे में उनके डिजाइनर के द्वारा कुछ डिटेल्स को पब्लिक करा गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इस चेकमेट फाइटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी काफी सारे एलिमेंट्स में यूज किया जाएगा। साथ ही यह एयरक्राफ्ट 2800 किलोमीटर की रेंज के साथ कई सारे एडवांस वेपन सिस्टम के साथ आएगा। और चेकमेट फाइटर के जो चीफ डिजाइनर है उनका यह कहना था कि चेकमेट एयरक्राफ्ट रशिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट SU-57 से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, और एक बार इसके डेवलपमेंट के पूरा हो जाने के बाद यह एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर साबित होगा। बाकी रशिया का यह जो नया फिफ्थ जनरेशन सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको की द चेकमेट फाइटर या फिर SU-75 के नाम से जाना जाता है, वह कितना कारगर होगा यह तो इसके पूरी तरह से सामने आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरी अपडेट अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर करी गई स्ट्राइक को लेकर है। यह तो आप सभी को पता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से कुछ समय पहले ऐसा डाटा पब्लिक करा गया था कि अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल का 95% वर्क कंप्लीट होने के साथ ही सभी ट्रूप्स को 31 अगस्त तक पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन इसी के रिगार्डिंग कल पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई, और उस रिपोर्ट पर उनके द्वारा यह बताया गया कि अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा तालिबान पर कई सारी एयर स्ट्राइक को भी कंडक्ट करा गया, जिसमें करीब 100 से भी ज्यादा तालिबानी आतंकवादी मारे गए। और अब US प्रेसिडेंट के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि अगस्त के बाद अफगानिस्तान की जो कैपिटल काबुल है वहाँ पर US एम्बेसी और अमेरिका के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करीब 650 ट्रूप्स को वहाँ पर रोक के रखा जाएगा, जो कि वहाँ पर अमेरिकन एसेट्स और ऑफिसर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। बाकी प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान में जो तालिबान है वह काफी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा करना चाहता है। तीसरी अपडेट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेशन को लेकर है। बोइंग के एशिया पैसिफिक हेड ने मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में यह बताया है कि कंपनी के द्वारा प्रेजेंट टाइम में एशिया में जितने भी कंट्रीज के द्वारा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के 64D वेरिएंट को ऑपरेट करा जाता है, उन सभी को 64E स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के कंपनी की तरफ से विचार करा गया। और अपाचे 64D अटैक हेलीकॉप्टर्स को 64E वर्जन में अपग्रेड करने के बाद सभी कंट्रीज जिनके पास अपाचे मौजूद हैं उनके अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन वेरिएंट के बराबर होंगे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स प्रेजेंट टाइम में जिस अपाचे 64E हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करती है वह अब तक का सबसे एडवांस वेरिएंट है, जिसकी मदद से अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी कंट्रोल करा जा सकता है। बाकी US आर्मी के द्वारा बोइंग को अपने 600 अपाचे 64D अटैक हेलीकॉप्टर को 64E वेरिएंट में अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल पहले दिया गया था। साथ ही भारत, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के द्वारा अपाचे 64E वेरिएंट को ऑपरेट करा जाता है। चौथी अपडेट रशिया के तालिबान रिस्पांस को लेकर है। आज रशियन ऑफिसर्स ने दिए गए अपने एक इंटरव्यू में यह बताया कि अगर अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी आतंकवादी किसी भी प्रकार से ताजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो रशिया के द्वारा इन देशों के साथ करे गए अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रशियन फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और वह इन तालिबानी आतंकवादियों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और उनका यह कहना था कि उज्बेकिस्तान के पास अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस मौजूद है जो कि इस टाइप के मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकती है, लेकिन अगर उज्बेकिस्तान की फोर्सेस ऐसा करने में नाकाम रहती हैं तब रशिया के द्वारा अपनी जो फोर्सेस हैं उनको सेंट्रल एशिया में इन ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय करा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रोसोबोरन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर का यह कहना है कि उनके द्वारा प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी भी टाइप की करी जाने वाली डिफेंस डील में US डॉलर को बॉयकॉट करते हुए इन डील्स का पेमेंट रूबल्स में एक्सेप्ट करा जाएगा, ताकि अमेरिका किसी भी देश के द्वारा रशिया के साथ करी गई डिफेंस डील में जो प्रतिबंध की धमकी लगाता है उस क्लॉज से बचा जा सके। आज की पांचवी अपडेट नाइजीरिया के नए एयरक्राफ्ट को लेकर है। नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से यह अनाउंस करा गया है कि उनके द्वारा पहले A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट के बैच को रिसीव कर लिया गया है, जो कि नाइजीरिया के नोहो स्टेट पर थर्सडे को लैंड हुए थे। आपको बता दें कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को 12 A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट को सेल करने की मंजूरी दी थी, जिसमें से इन एयरक्राफ्ट का पहला बैच नाइजीरिया को डिलीवर करा गया, और इस बैच में करीब 6 A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट मौजूद थे।
और साथ ही नाइजीरियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्ट के सेकेंड बैच को इसी 2021 के लास्ट तक डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी यह जो A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट है, यह एक ब्राजीलियन टर्बोरॉप लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है जो कि प्रिसीजन गाइडेड मिनिशन के साथ स्मॉल स्ट्राइक्स को करने की कैपेबिलिटी रखता है। और नाइजीरिया के द्वारा इस एयरक्राफ्ट का यूज वहां पर मौजूद डिफरेंट टाइप्स की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करने के लिए करा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। ऐसे ही और डिफेंस अपडेट को हिंदी में देखने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को, ऐसे ही स्पेस फैक्ट्स को हिंदी में देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।